सनातन बंधु, ग्रहों के राजा सूर्य यदि धनु अथवा मीन राशि में गोचर करते हैं तब खरमास लगता है। वर्ष में 2 बार खरमास लगता है। आगामी 16 दिसंबर शुभ दिन शनिवार को ग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ खरमास का आरंभ हो जाएगा। खरमास में 3 ऐसे प्रमुख कार्य हैं जिनको करने से किसी भी राशि के जातक हों उनका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा। मन की अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। करना क्या है कि खरमास का आरंभ होते ही ग्रहों के राजा सूर्य की पूजा प्रारंभ कर दें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल फूल, लाल चंदन डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते समय गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र अथवा भगवान सूर्य का कोई भी छोटा सा मंत्र जप करें। रविवार का व्रत कर सकते हैं। रविवार के दिन सूर्यास्त से पहले ही सफेद वस्तु ग्रहण करें। नमक का सेवन न करें। दूसरा उपाय यह है कि देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्त्रों का दान करें, पीला वस्त्र धारण करें। केले की जड़ में, तांबे की लोटी में जल, गुड़, चने की दाल डालकर केले की जड़ में अर्पित करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करें। तीसरा उपाय कि पूरे खरमास में सायंकाल को तुलसी कि पेड़ की जड़ के पास घी का दीपक जलाएं, अभाव में तिल के तेल का दीपक जलाएं। सनातन बंधुओं, यह 3 उपाय करने से मनुष्य अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकता है, इसमें रत्ती भर का संशय नहीं है। भगवान सूर्य जो यश कीर्ति के साथ साथ पद प्रतिष्ठा भी प्रदान करते हैं, देव गुरु बृहस्पति सोया हुआ भाग तो चमकाते ही हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, देव गुरु बृहस्पति की कृपा से सफलता कदम चूमेगी। तुलसी की जड़ में दीपक प्रज्वलित करने से भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता अनुकूलता प्राप्त होती है, जिससे धन आगमन के नाना प्रकार के स्रोत बनते हैं। इसलिए इस खरमास में इन 3 उपाय करें और अपने मन की अभिलाषा पूर्ण करें।